गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो श्री अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय। बोलो दशम अवतार कल्कि अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय। बोलो पलाना धाम की जय। जय। बोलो जामसर धाम की जय। जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय। जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव जय मादि शक्ति। बात करते हैं गुरुदेव जी की। प्यारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग की बात करते हैं। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग कल की अवतार हैं और गुरुदेव संजीवनी मंत्र की दीक्षा देते हैं, राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देते हैं और दो समय ध्यान करने के लिए कहते हैं। गुरुदेव का जो संजीवनी मंत्र है वो राधा और कृष्ण का मंत्र है जो भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिकता में मोक्ष की प्राप्ति करवाता है जीते जी। और जो गृहस्थी में है, जो व्यक्ति जो दुनिया अभी चल रही है गृहस्थी में है, गृहस्थी में रह के गुरुदेव की साधना को आप कर सकते हो और इससे त्रिविध ताप जो है शांत होते हैं। आदिदैहिक आदिदैविक और आदि भौतिक, ये तीनों ताप जो हैं वो शांत होते हैं। मच्छिंद्र नाथ जी जो कलयुग के आदि गुरुदेव हैं उन्होंने इस योग को कहा है कि ये योग जो है ये कल्प तरु का अमर फल है और इससे साधक के त्रिविध ताप शांत होते हैं और संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अगर कोई साधक गुरुदेव से दीक्षित है, गुरुदेव की शरण में है, तो उसे केवल संजीवनी मंत्र का नाम जप करना चाहिए और गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा गुरुदेव ने अपनी वाणी में बोला है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं सब कुछ कराया करा ही है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नाम जपना है और ध्यान करना है। गुरुदेव का जो संजीवनी मंत्र है इससे कई इनक्योरेबल डिसीजेज जो हैं वो साधक की क्योर हो जाती हैं। बहुत सारे साधकों को सहज में ही ऐसी विशेष मुद्राएं लगती हैं जो कठिन से कठिन तपस्या करने के बाद योगियों को भी नहीं लगती। उनमें से एक मुद्रा है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा जो है वो महारानी मुद्रा है और बहुत विशेष मुद्रा उसे माना जाता है और उसके लगने से गुरुदेव कहते हैं कि जब अमृत प्राप्त हो जाएगा फिर दूसरा जन्म क्यों होगा। तो खेचरी मुद्रा जो है आपको अमृतत्व की तरफ लेके जाती है और जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने की एक घटना बताती है, एक घटना दिखाती है कि अब तुम्हें अमृत प्राप्त हो गया है तो अब जो है तुम्हें दूसरी मृत्यु से भय नहीं। तो वो विशेष मुद्रा है, बहुतों को वो मुद्राएं लगती हैं, साधकों को, लाखों साधक गुरुदेव के जो खेचरी मुद्रा का अमृतपान करते हैं। इसके अलावा गुरुदेव का जो ध्यान की विधि है वो सुबह शाम की है। गुरुदेव कहते हैं कि सुबह और शाम मेरी तस्वीर का ध्यान करो आज्ञा चक्र के ऊपर में और 15 मिनट के लिए आप गुरु से आज्ञा लेके बैठो और फिर जो कुंडलिनी शक्ति है जो मानव शरीर में ही होती है और डोरमेंट रहती है और गुरु कृपा से जागती है और वो जाग के साधक का मन प्राण और बुद्धि शरीर को अपने कंट्रोल में ले लेती है और अपने अनुसार ही योगी क्रियाएं करवाती है। जो योगी क्रियाएं साधक के लिए आवश्यक होंगी वही योगी क्रियाएं होंगी। सभी साधकों को एक जैसी क्रियाएं नहीं होती, सभी को अलग अलग क्रियाएं होती हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार। कई कई साधकों को कोई भी योगी क्रिया नहीं होती, कई सालों तक नहीं होती। तो गुरुदेव से जब ये प्रश्न पूछा गया कि गुरुदेव योगी क्रियाएं नहीं होती, तो गुरुदेव ने कहा सबको योगी क्रियाएं होनी ज़रूरी नहीं, तो आप सिर्फ नाम जपो, जो भी परिवर्तन आएगा नाम जाप से आएगा। गुरुदेव में एक बड़ा ही अजीब परिवर्तन आया और उनका पूरा जीवन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया। इसकी विशेषता को बताते हुए गुरुदेव ने कहा मुझ में जो परिवर्तन आया, मुझ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो मंत्र से आया, मंत्र जाप से आया। ये गुरुदेव ने बहुत विशेष रूप से बाद अपने
साधकों को बताई है, अपने शिष्यों को बताई है कि उनमें जो परिवर्तन आया वो मंत्र जाप से आया, किसी क्रियाकांड से नहीं आया कि उन्होंने कोई क्रियाकांड किया हो तो वो परिवर्तन आया, तो मंत्र जाप से ही परिवर्तन आया। और जो परिवर्तन उनमें आया वही परिवर्तन जो है उनके साधकों में भी आ सकता है अगर वो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करेंगे और उस नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जपेंगे और दो समय ध्यान करेंगे। बस इतना ही करना है और इसके अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिफ़िकल्ट हो, साधक फॉलो ना कर पाए या रिचुअल्स हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो बड़ी सिंपल सी आराधना है, सिंपल सी विधि है। गुरुदेव ने कहा है कि इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता, ये सबसे आसान है। तो ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये गुरु कृपा से ही होता है, गुरु के माध्यम से ही होता है, गुरु के चुनाव से ही होता है। इसलिए साधक को विचलित नहीं होना चाहिए, अपनी साधना शांति से करनी चाहिए और जो भी जीवन में दुख सुख आते हैं उनका प्रेशर नहीं लेके बस ये समझना चाहिए कि एटलीस्ट हमें सहारा देने वाला एक गुरु है और हमारे पास एक साधना है जिससे हम साधना करते हैं गुरुदेव की, और हमारे साथ एक समर्थ गुरुदेव है जो सदैव हमारी तरफ देखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और साधक को शांत रह के अपनी जो है साधना करनी चाहिए। ये तो हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग हैं। और गुरुदेव की एक और बहुत बड़ी विशेषता ये है कि गुरुदेव कहते हैं कि मैं गृहस्थी हूँ और मैं गृहस्थ जीवन में रह के ही मैंने ये साधना की है, और मेरे जो शिष्य हैं वो भी गृहस्थ जीवन में ही रह के इस पूरी शिक्षा को, इस पूरी साधना को कर सकते हैं। गुरुदेव ने इसके साथ ही ये भी कहा कि मैं जो अपनी दीक्षा है, जो मंत्र दीक्षा है, जो संजीवनी मंत्र है, उसे मैं ओपन कर देता हूँ, खुला छोड़ दिया हूँ, आकाश में मेरी आवाज़ चली गई है, तो सारे संसार को मैं इस अमृत पान के लिए आवाहन करता हूँ और मानव मात्र को मैं इस कृपा का, इस अनुग्रह का, इस गुरु कृपा का पात्र मानता हूँ। तो जो भी मनुष्य सकारात्मक है वो इस शिक्षा को ग्रहण करके गुरुदेव की शरण में आके गुरुदेव के बताए अनुसार नाम जप और ध्यान कर सकता है और उनका शिष्य बन सकता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी भाषा को बोलता हो, कहीं भी रहता हो, उसे कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो जहाँ भी है वहीं पर ही गुरुदेव की तस्वीर इंटरनेट के माध्यम से निकाल सकता है और गुरुदेव का मंत्र जो है संजीवनी मंत्र वो इंटरनेट के माध्यम से सुन सकता है और बस अपनी साधना कर सकता है, उसे कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुदेव की साधना जो है ये ओमनी प्रेजेंट वाली साधना है, गुरुदेव सब जगह पर हैं, सारे शिष्यों को। गुरुदेव ने एक बार प्रवचन में कहा था कि अगर मेरे सामने लाखों लोग भी बैठे होंगे तो उनको जागृत करने के लिए, उनको चेतन करने के लिए एक क्षण भी ज़्यादा है, तो एक क्षण से भी कम समय में वो सारे लाखों साधक जितने भी मेरे सामने बैठे होंगे वो चेतन हो जाएंगे या मेरी दीक्षा ग्रहण करेंगे, मेरे संजीवनी मंत्र को, और मुझे गुरु मानेंगे, तो वो एक पल में जो है वो सब चेतन हो जाएंगे। तो इतना विशाल कद है गुरुदेव का, इतनी ऊंची पद्धति, इतनी ऊंची पोजीशन है गुरुदेव की कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को ही वेलकम कर लिया कि मेरे में इतनी सामर्थ्य है कि मैं सारी दुनिया को चेतन कर सकता हूँ एक क्षण से भी कम समय में। अब ऐसा गुरु जो कह दे कि एक क्षण भी बहुत ज़्यादा है चेतन करने के लिए, उसकी सामर्थ्य का आप हिसाब लगा सकते हैं। क्योंकि भारत जो है ये ऐसे योगियों को जन्म दे चुका है, ऐसे गुरु अवतार इस धरती पे आए हैं जिनकी कल्पना तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन भारत तो जानता है उनके बारे में, अच्छे से जानता है कि कितने बड़े बड़े संत, कितने बड़े बड़े ऋषि, कितने बड़े बड़े गुरु आए, भगवान श्री राम के गुरुदेव, कृष्ण जी के गुरुदेव। तो जब जब भगवान ने अवतार लिया तब तब उनके गुरुओं ने भी अवतार लिया, गुरु बन के आए, लेकिन कभी भी ये घटना नहीं घटी जो गुरुदेव के समय में घटी है, जो गुरुदेव ने कर दिया है वो आज तक कोई भी गुरु नहीं कर पाया, इतना ओपनली नहीं कर पाया, पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए नहीं कर पाया। जब हम ये सेशन करते हैं हम बोलते हैं कि गुरुदेव कल्कि अवतार हैं और वो इस कलियुग में आए हैं, वो विष्णु का अवतार जो कलियुग में मानव को तारने आएगा, मानव को सहारा देने आएगा, मानव को उठाने आएगा, वो कल्कि अवतार होगा। तो कोई गुरु अगर आता है और कहता है कि संपूर्ण संसार को उठाने की क्षमता है मुझ में और संपूर्ण संसार को चेतन करने की क्षमता भी है मुझ में और जिसके लिए मुझे एक क्षण का वक्त भी नहीं चाहिए, अगर ऐसा कोई गुरु है और वो ऐसा कर भी रहा है, ऐसा चेतन कर भी रहा है, तो उसको कल्कि अवतार
अगर फिर भी ना माने तो फिर ये बुद्धि के तर्क वितर्क हो जाते हैं कि वो फलां जगह पे आएगा, घोड़े पे बैठ के आएगा, तलवार लेके आएगा, पता नहीं किसको काटने आएगा बाहर, वो तलवार लेके किसको काटेगा, बाहर तो कोई दिखता नहीं काटने के लिए, जो भी है अंदर ही है, जो भी तमस गुण है, जो भी हमारी त्रिगुणात्मक प्रकृति से हमारे कर्म बंधन है, हमें जो आज़ादी चाहिए, जो श्री कृष्ण ने श्री अरविंदो को कहा था कि तू अपनी भारत माता की आज़ादी मुझ पे छोड़ दे, मेरे पास तेरे से बेहतर भक्त हैं जो ये कार्य कर सकते हैं, तू मनुष्य की आज़ादी की बात कर। तो जब कृष्ण ये कह रहे थे श्री अरविंदो से कि तू मनुष्य की आज़ादी की बात कर, तो वो कौन सी आज़ादी की बात कर रहे थे? वो मनुष्य कहाँ गुलाम है? क्या वो किसी एक व्यक्ति विशेष के अंडर गुलाम थे? सारे के सारे हम जितने भी हैं, सिर्फ भारत ही तो अंग्रेज़ों के गुलाम था ना, और कुछ एक देश होंगे जो गुलाम थे, लेकिन उन्होंने तो कह दिया तू धरती की आज़ादी वाली गुलामी को छोड़, तू मानवता की आज़ादी की बात कर, मानवता की आज़ादी के लिए कार्य कर, मानवता की आज़ादी के लिए योग कर, साधना कर। तो उन्होंने किस जो मानवता को जो आज़ादी देनी थी वो किससे देनी थी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर आप इसीलिए लोग महर्षि अरविंदो को जानते नहीं हैं, फिलॉसफी जानते नहीं हैं, कृष्ण की फिलॉसफी को नहीं जानते, इसलिए कल्कि अवतार को बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो घोड़े पे आएगा तलवार लेके आएगा। वो अगर स्वयं श्री कृष्ण ही है तो कल्कि जो आएगा वो मानवता को आज़ाद कराने के लिए, उसके बंधनों से आज़ाद कराने के लिए आएगा। फाइनल अवतार तभी हो सकता है जब इंसान को पूर्ण मुक्ति मिल जाए। श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, लेकिन व्यक्ति को उस जन्म और बंधन से मुक्ति नहीं मिली। हाँ, उस समय के जो अधर्मी थे या अधर्म था उनको नाश किया उन्होंने, बाहर के अधर्म को नाश किया। लेकिन अगर हम कहें कि दशम अवतार आखिरी अवतार है, तो आखिरी का मतलब है इसके बाद वो अवतार नहीं आएगा, मतलब उसका काम हो गया कि उसने जड़ से धर्म को ख़त्म कर दिया। तो फिर वो जड़ है कहाँ, अधर्म की जड़ है कहाँ जिसे कल्कि ख़त्म करेगा? बाहर तो नहीं है, क्योंकि अगर सोचो इस दुनिया में आप अकेले एक इंसान बसते हो, आप ही अकेले सोचो कि सबसे अच्छे हो, सबसे बढ़िया हो, धर्म के निभाने वाले हो, धर्म की रक्षा करने वाले आप अकेले हो, सारे भी ख़त्म हो जाएं तब भी तो आपकी आज़ादी नहीं है, तब भी तो आप बंधनों में बंधे ही रहोगे। तो असली आज़ादी पूरे संसार से मतलब नहीं रखती, आपकी आज़ादी आपके त्रिगुणात्मक बंधन से है। तो कल्कि अगर आएगा तो आपके लिए आना चाहिए उसको, हाँ, 10 लोगों के लिए कल्पना मत कीजिए, कल्कि सिर्फ एक एक हर एक व्यक्ति विशेष के लिए आएगा। तो वो ऐसा अवतार है जो व्यक्ति विशेष को, व्यक्ति मात्र को, मानव मात्र को आज़ाद करेगा। तो मानव मात्र को आज़ाद करने के लिए जब ऋषि अरविंदो को प्रेरणा हुई कि ये तू कर, तब मैं आऊँगा, अवतरण लेके आऊँगा, और तब मैं ऐसी प्रेरणा करूँगा या मैं ऐसी शक्ति करूँगा जिससे मानव जो है हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, इसीलिए मेरा अवतार आखिरी अवतार माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर तो हम अभी इस पे डिस्कशन करें तो बहुत सारे ऐसे ज्ञानी होंगे जिनके पास बहुत सारे तर्क होंगे, और तर्कों का कभी कोई अंत नहीं होता है, लेकिन हमें समझ बूझ के ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो घट रहा है ये कोई या ना तो ये कोई कल्पना है और ना ही कोई बात कर रहा है कि ऐसा हो सकता है, ये तो हो रहा है, ये तो घटित हो रहा है। अगर 10 लोगों के साथ नहीं हो रहा तो मेरे साथ तो हो रहा है, वो तो बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन मैं तो अपनी गवाही दे सकता हूँ कि मेरे साथ बदलाव हो रहा है। मैं वो इंसान हूँ, वो साधारण कली मानव हूँ जो पैदा हुआ साधारण परिवार में, और मैंने कभी भी अपने गुणों को नहीं देखा झूठ बोलते हुए, चाहे मैं माता पिता से झूठ बोलूँ, चाहे अपने टीचर से झूठ बोलूँ, चाहे मैं अपने दोस्तों से झूठ बोलूँ, या किसी से भी झूठ बोलूँ, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे झूठ को कोई पकड़ रहा है, पहचान रहा है। मैं सिर्फ जानता था कि मैं ही जानता हूँ, दूसरे तो जानते नहीं, और मैंने कभी भी इसका विचार नहीं किया कि ईश्वर भी अंदर दृष्टा भाव से जागृत होकर ये चीज़ें देखता है। जब गुरुदेव की दीक्षा ले ली और कई वर्षों बाद नाम जप साधना करने के बाद जब गुरु का महत्व समझ में आया, गुरु की धारणा समझ में आई, गुरु के प्रति समर्पण समझ में आया, एकत्व समझ में आया, और तब जाके ऐसा क्यों लगने लग गया कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, तब मैं क्यों अपने आप को देखने लग गया, मैं तो वही व्यक्ति हूँ ना जो पहले भी झूठ बोलता था, पहले भी कर्म करता था, लेकिन तब मैं स्वयं को देखता था और मैं ये करता था कि मेरे सिवाय किसको पता है।
लेकिन आज जब मैं वही काम करने के लिए अगर मैं कोई झूठ निकल भी जाए तो मैं सोचता हूँ कि ये क्या कर दिया, आज मैं ही मुझे देखने की कोशिश कैसे करने लग गया, मेरे अंदर ही वो दृष्टा भाव कैसे प्रकट हो गया जो स्वयं को देखने लग गया। तो वो जो देख रहा है करने वाले को, वो कौन है? वो पहले कहाँ था? वो सोया हुआ था जरूर, जिसका मुझे डर नहीं था। आज वो मेरे अंदर जाग गया है और मुझे देख रहा है और मुझे उसका डर है। तो जिसका मुझे डर है, जिसके कारण मैं वो झूठ नहीं बोल पा रहा, वो डर किसका है? वो जागृत जो हो गया, वो चेतना जो जागृत होगी, वो ईश्वर है जो देख रहा है। अब बाहर किसी मनुष्य को पता चले ना चले कि मैं झूठ या सच बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो जो चेतना है सब समय जो मुझे देखती रहती है, वो किसकी है? वो कौन है? वो दृष्टा कौन है जिसे मैं नहीं देख पा रहा लेकिन वो मुझे देखता है और मैं जानता हूँ कि मुझे कोई देख रहा है? तो वो चेतना जागृत करने वाला गुरु है, वो अंदर बैठा ईश्वर है जिसको उसने चेतन कर दिया। तो अब वो आज़ाद मुझे करवा रहा है, मुझे कह रहा है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है, ये माया है, ये लोभ है, ये लालच है, ये टेम्परेरी है, अस्थाई है, ये चला जाएगा, ये रहेगा नहीं, उस तरफ बढ़ो जिस तरफ स्थाई है, ये तुम्हारा मार्ग नहीं है, ये तुम्हारा मार्ग है, इस तरफ मत जाओ, इस तरफ जाओ। वो सारी गाइडेंस जो अंदर से प्राप्त हो रही है, वो जो सजगता अंदर से प्राप्त हो रही है, वो कौन है अंदर जो बैठ गया है? वो कौन है जो लगातार है जपा जाप जप रहा है? मैं तो अपने कामों में लगा हुआ हूँ, खाना खाता हूँ, बातें करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं तो अपने काम में लगा हुआ हूँ। तो फिर अंदर बैठ के वो ऐ जपा जप जो है वो कौन जप रहा है? मेरे अंदर जो नाद प्रकट हो गया वो कौन सा नाद है? क्यों प्रकट हो गया? कहाँ से उसका सोर्स है? कौन है उसकी आवाज़ है? वो कौन है, क्या है? ये सारी घटनाएं कैसे घट गई मेरे अंदर एक साधारण शरीर में, जिसने कभी भी अपने अंदर नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। अंदर का मतलब था मेरे गुर्दे, पेट, आंतड़ियाँ, हृदय, फेफड़े, ये सब अंदर होने का हमेशा सत्य है, अंदर ये है, अंदर का जगत इसे कहते हैं। लेकिन अंदर का जगत जो है वो मन का है, प्राण का है, विज्ञान का है, चित्त का है, आनंद का है, सत्य का है, ये तो पता ही नहीं था। अंदर का ये संसार तो पता ही नहीं था। तो अंदर देखने वाला वो कौन है? मैं तो नहीं हूँ, मैं तो बाहर देखता हूँ, मेरी तो जो भौतिक आँखें हैं बाहर ही देख सकती हैं, अंदर तो नहीं देख सकती। फिर सत्य को देखने वाला कौन है? चित्त को, त्रिगुणात्मक प्रकृति को, लोभ लालच को, मन को, मन में आने वाली इच्छाओं को, प्राणों को, संबंधों को, पवित्र संबंधों को, कौन देख रहा है? ये सारा परिवर्तन कैसे आ सकता है? तो ये वो कृष्ण का वो वादा है श्री अरविंदो से, जब उन्होंने कहा था कि तू वो कर जिससे मानव को मुक्ति मिले। तो अगर आज मुझे मुक्ति की रास्ता दिख रहा है या मोक्ष का रास्ता दिख रहा है, तो वो प्रयोजन कृष्ण का है, श्री कृष्ण का मिशन है वो, जिसमें श्री अरविंदो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने योग साधना से, योग तपोबल से कृष्ण को नीचे उतारा, उस रूप में उतारा जिस रूप में वो हमारे अंदर परिवर्तन कर सके। अगर कृष्ण को कल्कि ही सारा कार्यकर्ता यहाँ पर बाहर में आके कार्य करता, तो फिर कल्कि का तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। कल्कि तो बेचारा सुबह से शाम आज यहाँ धर्म ख़त्म करता, कल वहाँ प्रकट हो जाता, फिर उसे उधर जाना पड़ता, आज अमेरिका में, फिर इंडिया में, फिर पाकिस्तान में, फिर श्रीलंका में, फिर फिलिपीन में, फिर जापान में, फिर उसका तो बेचारे का एक सेकंड के लिए भी उसको सबर नहीं होता। घोड़ा कहाँ कहाँ लेके जाता वो, हाँ घोड़ा कहाँ कहाँ लेके जाता। तो फिर कहेंगे भगवान है, गायब होके कहीं भी जा सकते हैं। राम गए क्या? गायब होके। कृष्ण गए क्या? गायब होके। भौतिकता में रह के उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, किसी भी अवतार ने इस तरह के चमत्कार नहीं किए जिस तरह के कलयुग का मानव एक्सपेक्ट करता है कि भगवान आएगा तो पता नहीं आकाश में उड़ उड़ के जाएगा कहीं, घोड़ा दौड़ाते हुए जाएगा कहीं। वो ऐसी इस तरह की कल्पनाएं हैं, इससे अज्ञानता और अंधकार का ही ज्ञान होता है कि कितना अंधकार है, कितनी अज्ञानता है। कि जो संत हुए उनके बारे में ना तो शिक्षा दी जाती है, ना स्कूलों में बताया जाता है, ना उनके बारे में ज्ञान दिया जाता है। पतंजलि को लोग सिर्फ योग, फिजिकल एक्सरसाइज के नाम में जाते हैं। ये भारतवर्ष की एक, भारत के लिए एक दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।
इसमें इतने योगा टीचर्स हुए हैं, इतने योग गुरु हुए हैं जो सच में योग को, योग का मतलब जानते थे, जो सच, जिन्होंने सच में परमात्मा को योग से साधा, ऐसे बहुत सारे हुए। लेकिन आज कौन जानता है पतंजलि अष्टांग योग को, कि वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। आज क्यों पैसे का ही बोलबाला है, क्यों लोग पतंजलि का नाम सुनते ही रामदेव बाबा की तरफ सोचते हैं कि वो है। इतना अंधकार कहाँ से है? ना तो योग के प्रचार करने वालों ने कभी पतंजलि का सही मार्गदर्शन किया, योग दर्शन का सही लोगों को बताया, और ना ही इस सरकार ने, किसी भी सरकार ने कभी भी कोशिश की। सब एक दूसरे के पीछे सिर्फ बेनिफिट्स लेने के लिए ही पड़े रहे, आज तक पड़े हुए हैं, आज भी वही हो रहा है, आज भी घटना वही घट रही है। हाँ, धीरे धीरे परिवर्तन आना है, वो तो आ रहा है, धीरे धीरे आएगा भी, लेकिन आज की स्थिति जो है, आज का जो मनुष्य है, अगर उसको बताएं तो वो कहाँ सुनने के लिए तैयार है। कोई स्कूल को अगर जाके कहें कि एक नॉर्मल स्कूल को, वैसे तो वैदिक स्कूल होते हैं, वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता होगा ज़रूर, रामदेव का भी वैदिक स्कूल है, मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर वेदांत पढ़ाते हैं शायद, और वहाँ पे शायद पतंजलि का ज्ञान भी देते होंगे, अगर मुझे तो आइडिया नहीं है, पर होना चाहिए, उनके स्कूल्स के हिसाब से होना चाहिए। अगर वो वहाँ कुछ कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, सराहनीय होगा वो बहुत अच्छा। तो आजकल जो जितने भी पॉपुलेशन है, 98% या 95% जो पॉपुलेशन है, वो तो साधारण स्कूल्स में जाती है, CBSE, ICSE, ISC, ये सारे, और पर्टिकुलर स्टेट्स के अपने अपने बोर्ड्स हैं, उसमें जाती है सारी। तो वहाँ कहाँ करिकुलम में कोई परिवर्तन है, कहाँ लोगों को बताया जा रहा है कि ऋषि अरविंदो कौन थे, और श्री कृष्ण के साथ उनका क्या हुआ, और वो कैसे क्रांतिकारी थे। हम क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ते हैं, भगत सिंह जी के बारे में पढ़ते हैं, प्रेरणा मिलती है, और भी बहुत सारे क्रांतिकारी, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, उधम सिंह जी, और भी बंगाल से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, राजपूत, बहुत बड़े योद्धा है, उन सब के बारे में बताया जाता है। लेकिन फिर भी परिवर्तन की बात जब जहाँ पर हो रही है, जहाँ पर ऋषि अरविंदो की महानता की बात हो रही है, आज ऋषि अरविंदो को ज़्यादा लोग जानते नहीं, हालांकि हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री आज तक आए हैं, सारे जानते हैं ऋषि अरविंदो को, पांडिचेरी आश्रम के बारे में सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसका उत्थान नहीं है कहीं भी। गुरुदेव के एक सेशन में मैंने सुना था, गुरुदेव कह रहे थे कि सतयुग आ चुका है, लेकिन अभी जो कार्य चल रहा है वो कलयुग का ही चल रहा है, सतयुग के आने के बाद भी कलयुग का ही अभी प्रभाव है, गया नहीं है प्रभाव, तो इसको थोड़ा समय लगेगा। और तो ये जो अंधकार है, ये धीरे धीरे ज़रूर मिटेगा। अगर आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, आज अगर हम बात कर रहे हैं बैठ के, सत्य की बात करते हैं, या कलयुग की बात कर रहे हैं, सतयुग की बात कर रहे हैं, ऋषि अरविंदो की आज हम बात तो कर रहे हैं एटलीस्ट, नहीं तो मुझे कहाँ चेतना थी कि ऋषि अरविंदो कौन है। मैंने भी कभी नहीं पढ़ा ऋषि अरविंदो को, मुझे तो गुरुदेव के माध्यम से पता चला कि ऋषि अरविंदो का क्या कार्य था, उत्तरपाड़ा भाषण कौन है, कृष्ण कौन है, कृष्ण के बारे में भी गुरुदेव से पता चला। इससे पहले तो मुझे लगता था कि कृष्ण जो है वो दूर की खीर है, या दूर का चांद ही है, जिसको भगवान मान के बस प्रार्थना की जा सकती है, लेकिन उससे प्रेम भी किया जा सकता है, और उसके साथ योग भी किया जा सकता है, ये तो कभी मालूम ही नहीं था। तो ये सारा परिवर्तन अगर अंदर से आ रहा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है श्री कृष्ण की, जो उन्होंने धीरे धीरे कंप्लीट की है, और अब जो है गुरुदेव के रूप में वो परिवर्तन होने लग गया। गुरुदेव ने कोई प्लानिंग नहीं की, ऋषि अरविंदो ने एक प्लानिंग की, एक योजना को एक साकार रूप दिया कि इस योजना के तहत ये परिवर्तन आएंगे, ऐसे आएंगे परिवर्तन, योजना है इसके तहत परिवर्तन आएंगे, तो वो योजना के हिस्सा रहे। लेकिन गुरुदेव किसी योजना के हिस्से नहीं, बल्कि परिवर्तन घटित होने के हिस्से। तो जहाँ जिस योजना, जिसकी योजना हजारों वर्षों से बनी, जिस अवतार की, जिस गुरु के आने की योजना इतने ऋषियों ने बनाई, इतने संघर्ष किए, कृष्ण ने इतना बड़ा रचना की, वो घटित अब हो रहा है, अब वो घटित हो रहा है, अब वो परिवर्तन आ रहा है, एक साधारण से इंसान में वो परिवर्तन आ रहा है गुरुदेव के ध्यान से। छोटे छोटे बच्चों को पता भी नहीं अध्यात्म क्या होता है, इतने छोटे हैं कि उनको अध्यात्म पता नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें योगी क्रियाएं हो रही हैं, उन्हें मुद्राएं लग रही हैं, उन्हें अनुभव हो रहे हैं, अनुभूतियां हो रही हैं, दर्शन हो रहे हैं, ध्यान लग रहा, गहरा ध्यान लग रहा, नशा चढ़ रहा उन बच्चों को, उस समय हमें कुछ भी नहीं पता था, है ना। तो ये जो परिवर्तन है, अब ये परिवर्तन घटित हो रहा है, जिसकी योजना हुई थी वो परिवर्तन अब घटित हो रहा है। तो जो घटित हो रहा है वो एक दिन में तो नहीं होगा, नहीं तो तूफान आ जाएगा पूरी दुनिया में, पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगी पूरी अर्थव्यवस्था। ये इस पृथ्वी को बड़ा स्नेह करते हैं कृष्ण,
भगवान इस पृथ्वी को बड़ा स्नेह करते हैं। वो इसकी अर्थव्यवस्था या इसकी परंपरा को एकदम से खंडित या छिन्न भिन्न नहीं होने देंगे, तो पूरे बहुत धीरे से धीरे धीरे जो परिवर्तन आएगा पता ही नहीं चलेगा। और शायद एक बार बीच में ऐसा उछाल आए कि पलट जाए सब कुछ। और ऐसी बात गुरुदेव ने कहा है कि ऐसा विस्फोट होगा कि दुनिया चकाचौंध रह जाएगी। तो वो एक घटना ज़रूर होगी जो इस धीरे धीरे की प्रोसेस को मूल रूप से आगे ला देगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस पहले तो फैलनी ज़रूरी है, सब जगह इसके बीच पड़ने ज़रूरी है। जब इसके सारी जगह बीच पड़ जाएंगे तब वो जब घटना घटेगी तब वो बीच सब जगह है, तब लोगों को रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि ये तो है, ये तो चीज़ थी। तब वो आज हम जो बात कर रहे हैं, भले ही आज ज़्यादा लोग नहीं हैं जो इन चीज़ों को सुनते होंगे या देखते होंगे, लेकिन जब वो घटना घटेगी, जब वो विस्फोट होगा, उसके बाद जब लोग ढूंढेंगे, आज जो हम सत्संग कर रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं, इसका महत्व तब लोग देखेंगे कि ये तो हो रहा था, ये तो चल रहा था। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि हमें ग्रेस मिली है गुरुदेव की, हम सब कुछ गुरुदेव ने किया हो रहा है, उन लोगों के लिए डबल ग्रेस का काम करेगा या 10 गुना ग्रेस वाले आएंगे आगे। आप सिंपल एक ग्रेस वाले हो कि आप 24 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए 60 में, हाँ 100 में 33 होते ना, तो 33 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, आपके 29 थे, तो ग्रेस के 4 मार्क्स मिलके 33 हो गए, पास होंगे। लेकिन जो आने वाले हैं उनको तो चाहिए ही होंगे 29, उनको चाहिए होंगे, उनके पास 4 होंगे सिर्फ, हाँ 28 चाहिए होंगे, समझ लो 5 हैं 28 चाहिए, तो 7 टाइम्स ग्रेस। तो इतनी ग्रेस वाले लोग भी अभी आएंगे, और वो तब आएंगे जब वो विस्फोट होगा। और जब वो इतनी ग्रेस वाले लोग आएंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनको भी तारना है गुरुदेव ने, क्योंकि अब प्रण तो ले ही लिया है कि मानव मात्र को मैं मानता हूँ, अब प्रण तो ले ही लिया, पूरा तो करना पड़ेगा। मानव जो शुरू में जो जुड़ रहे हैं वो तो सकारात्मक है, एटलीस्ट उनमें थोड़ा धर्म है, सुनने के लिए तैयार है। गुरुदेव कहते हैं ना, तुम तो सुनने के लिए तैयार हो। तो आने वाला जो अभी जो व्यक्ति हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो साइकोलॉजी के विद्यार्थी हैं, या फिर जो भौतिकवादी हैं और जन्म मृत्यु को नहीं समझते, सनातन धर्म का नहीं समझते क्या इम्पोर्टेंस है, हिंदुत्व को नहीं समझते, ये सारी चीज़ों को सिर्फ कुछ लोगों का एजेंडा समझते हैं, या फिर ये समझते हैं कि ये सब पागल हैं फालतू हैं, जो चीज़ अभी बहुत हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में ही सनातन धर्म की कोई खास वैल्यू नहीं है। लोग अगर आप सनातन धर्म की बात करो तो लोग आपको पागल समझते हैं, लोग आपको रूढ़िवादी समझते हैं, ठीक है। तो वो उनकी धारणा बिल्कुल अलग है, वो बड़े आज़ाद किस्म के लोग हैं बहुत, वो आत्मा को तो मानते हैं, आत्मा को जानते नहीं, ठीक है। और वो सनातन धर्म को किसी शरीर विशेष का विज्ञान समझते हैं, जानकारी नहीं है उनको। तो ऐसे व्यक्ति हैं, आप तो जानते हो गुरु को मानते हो, वो गुरु को भी नहीं मानते, वो सिर्फ गुरुओं के भेष को देखते हैं, गुरुओं की जानकारी नहीं है उनको। तो गुरु के नाम पे अगर उनको कहो गुरु होते तो वो उन गुरुओं के नाम गनाएंगे जो सजा आपदा है, जेल में है, जो गलत कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, पैसे के लिए जो बिजनेसमैन बन गए, उन गुरुओं के उदाहरण देके आपको बोलने नहीं देंगे। तो गुरुओं की जानकारी नहीं है उनको, उनको ऋषि, उनको लगता है कि इस दुनिया में ऋषि पैदा नहीं हो सकते, है ना। तो महर्षि अरविंद, अब वो ऋषि जैसे अगर पुराने ज़माने में देखा जाए तो ये महर्षि हैं, ऋषि अगस्त्य, विश्वामित्र, गुरु बृहस्पति, ये इस कैटेगरी के हैं सप्तऋषि। तो ऋषि अरविंद उस कैटेगरी के ऋषि हैं, लेकिन कलयुग में हम मानते नहीं ऋषियों को, वो ऋषियों वाला ज़माना तो गया, ज़माना कहीं भी नहीं जाता, क्योंकि जहाँ आत्मा है, जहाँ हृदय है, वो ज़माना हमेशा वहीं रहता है, बस प्रकट होने की बात है। जो सतयुग में प्रकट होता था वो कलयुग में भी तो हो सकता है। तो कलयुग में भी ऐसे ऋषि हैं, ऐसे महर्षि हैं, और जो तपस्या करके हमारी जो है वो मुश्किलों को आसान कर रहे हैं, तो उनको मालूम नहीं है, उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो वो होगा, लेकिन वो तब होगा जब विस्फोट घटेगा, उनका चौंकना ज़रूरी है, उनका हैरान होना ज़रूरी है, उनको कन्विंस नहीं किया जा सकता, उनको बातचीत से या फिर वार्तालाप से उन्हें बताया नहीं जा सकता, अब उनको पढ़ाया नहीं जा सकता, उनको शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो पूरी तरह से उनका जो माइंड सेट है वो फिक्स हो चुका है, उसको दुनिया की कोई शक्ति बदल नहीं सकती। उसको बदलने के लिए वो विस्फोट होगा कुदरत का, वो चेतना, वो जागृति सिर्फ ईश्वर के जगाने से आएगी, मेरे आपके जगाने से नहीं आएगी। हम जो आज कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश तब सफल होगी
जब वो जागृत हो जाएंगे, जब वो जाग जाएंगे, जब वो समझ जाएंगे, उसके बाद उनको इस बात का महत्व समझ में आएगा और वो सारी दुनिया जो है वो झुकेगी, एक ही झंडे के अंदर आएगी। तो आज हम जब प्रचार प्रसार करते हैं तो हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आज वो कितना इफ़ेक्टिव है, हमने सिर्फ सीड्स डालने हैं, बीज डालने हैं, तो वो अपने आप एक दिन जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी वो अपने आप घटित हो जाएगी सारी की सारी चीज़ें। तो हमारा जो इस समय जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व है गुरु के प्रति, वो यही है कि हम संभाव में रहें, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है आपको नज़रें गड़ा के देखेगा, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण हो। आपकी जो लहर है, पहली लहर जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाला भविष्य आपको बहुत निरीक्षण करेगा, परीक्षण करेगा, आपके ऊपर में टेस्ट करेगा, आपके व्यवहार के ऊपर में टेस्ट करेगा, आप में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं किया, क्या बातें की, ये जितनी भी बातें आज हम करते हैं सारी रिकॉर्ड है, और वो सारी बातों की छानबीन होगी, एक एक सेशन की छानबीन करेगी, वो करेंगे। और इसीलिए हमें इस चीज़ को प्रदर्शित करना है कि हम सच के साथ रहें, अपनी ईगो को छोड़ दें, क्योंकि जब परीक्षण होगा तब सच ही सामने आना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ वहाँ से बातें उठाएंगे जहाँ से हम प्लानिंग भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ों को जोड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों को सही लगाएंगे, हाँ वो कोई घपला नहीं करेंगे, दो दो पाँच नहीं करेंगे, वो हमें गलत सिद्ध करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि वो हमारे अंदर से ये जानने की कोशिश करेंगे क्या कैसे हुआ ये सब चीज़ें, क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं, या किस दौर से हम गुजरे, हमारे आपसी रिश्ते कैसे सुधरे, कैसे बिगड़े, क्या हुआ, किसने क्या किया, और सिद्ध योग में क्या क्या घटनाएं घटी, वापस कैसे ठीक हुआ, क्या वापस हुआ, वो सारा एक उनके लिए, ये भी पहली लहर भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। आगे आने वाले समय में आप, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर हैं तो उनके जो पूर्वज होंगे ना यहाँ पर, तो आप वो मिसाल आपकी दी जाएगी, तो आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जब गुरुदेव की छत्रछाया में आ जाते हो तो आपका व्यवहार जो है ये मॉनिटर होगा, कहीं ना कहीं आपकी पोस्ट हो जाएंगी, कहीं ना कहीं आपका कोई डाटा, आपका रिकॉर्ड रह जाएगा, कुछ ना कुछ रह जाएगा। अगर 90% भी डिलीट हो जाता है तो 10% रह जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अपने व्यवहार को सत्य से प्रकट करना चाहिए ताकि उनको आसानी हो, मैन्युपुलेट नहीं करना चाहिए उनको कि हम झूठा व्यवहार वैसा करें, हम जैसे हैं वैसा व्यवहार हमें रखना चाहिए। और जो घटनाएं घटती हैं उनके लिए बात भी करनी चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अपना एक बार जरूर अपना मत रखना चाहिए, क्योंकि फिर सोचो आगे भविष्य में कभी ऐसी कोई घटना घटती है तो उनके लिए रिसर्च के लिए हमारा पीछे होना चाहिए, कुछ हिस्ट्री में होना चाहिए कि पहले भी घटनाएँ जो घटती हैं फिर कैसा हुआ था, क्या हुआ था, तो वह सारे रिकॉर्ड्स रहने चाहिए। तो इसीलिए गुरु के जो शिष्य हैं, हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम इस बदलाव को समझें और अपनी बात पे हमें पहले खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब हम कहते हैं वो कल की अवतार है तो वो क्यों है, आज के सेशन में जो हम बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं, वो कल की अवतार है क्योंकि वो अंदर से परिवर्तन कर रहा है, वो कल की अवतार है क्योंकि वो मानवता के फ्रीडम की बात कर रहा है, वो कल की अवतार है क्योंकि वो धर्म को जड़ से हटा रहा है, वो कल की अवतार आखिरी अवतार है क्योंकि उसके बाद मनुष्य का जन्म ही नहीं होगा। मनुष्य अगर अपने अंदर के अधर्म से मुक्त हो गया, त्रिगुणात्मक प्रकृति से मुक्त हो गया, तो उसका जन्म ही नहीं हुआ, उसके बाद उसका जन्म नहीं होगा। जब जन्म ही नहीं होगा तो उसके लिए अवतार की क्या विशेषता रहती है, अवतार तो धरती पर होते हैं। तो मनुष्य को अगर एक ही बार में ऐसी चीज़ मिल जाए जो मनुष्य को मुक्त कर दे, उसके बाद उसे किसी अवतार की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अंदर से अधर्म खत्म हो जाएगा, बाहर होगा ही नहीं। तो अवतार लेने क्या करने आएगा, अवतार लड्डू खाने तो नहीं आएगा सिर्फ, है ना, पूजा करवाने तो नहीं आएगा अपनी, किसी प्रयोजन से आए, श्री राम किसी प्रयोजन से आए, श्री कृष्ण किसी प्रयोजन से आए, कल्कि भी किसी प्रयोजन से आया, तो वो प्रयोजन अब और नहीं रहेगा। मनुष्य को लड़ना सिखा दिया, अपने अंदर ही सिखा दिया लड़ना, मनुष्य को ही ईश्वर में, अवतार में बदल देगा मनुष्य ही, मनुष्य की पूर्णता का नाम ही ईश्वर है, ये कल्कि ने बता दिया, ख़त्म कर दिया। तो जब आपका स्वयं का ईश्वर के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जब दुनिया को वो मंत्र मिल गया, वो विधि मिल गई जिसमें उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है, तो फिर उसे किसी अवतार की जरूरत क्यों, सहायता की जरूरत क्यों, अब हुआ ना आत्मनिर्भर मानव तो यही बात ऋषि अरविंदो को बोली थी कि तुम मानवता की फ्रीडम की बात करो, उनके आत्मनिर्भरता होने की बात करो, उनके लिए योग करो, तो वही हो रहा है।
तो इसमें कोई दोराहा नहीं है, इसीलिए ज़बरदस्ती भी नहीं करनी किसी के साथ कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे हम तो सिर्फ एक छोटे से अपना अपना किरदार ही निभा रहे हैं एक तरह से, इसलिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करो। जो जुड़ता है जुड़ जा रहा है, वो भी गुरु की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है, जिसके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। और गुरुदेव ने जैसा बताया कि भैया घटनाएँ तो घट चुकी हैं, आप रीप्ले देख रहे हैं, आप रीप्ले देख रहे हैं, तो कुछ भी ऐसा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सहज भाव में चलिए, सहज भाव में रहिए, संभाव में रहिए, सबसे प्रेम ही करना है और अपना नाम जपना है, क्योंकि आपका परिवर्तन ही आपके लिए मुख्य है। मेरा परिवर्तन या आपका परिवर्तन जो है मेरी सहायता नहीं कर सकता, मेरा परिवर्तन आपकी सहायता नहीं कर सकता, आप खुद अपना अंदर ही सहायता कर सकते हो। हम सिर्फ एक दूसरे के लिए प्रेरणा जरूर बन सकते हैं, लेकिन बाहर से किसी की मदद नहीं कर सकते, हम उस काबिल नहीं हैं। गुरु ने स्वयं ने कह दिया कि मैं बाहर से कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आपके अंदर जो आएगा परिवर्तन अंदर से आएगा। बाकी हम एक दूसरे के लिए प्रेरणा बने, एक दूसरे की सहायता करें, अध्यात्म मार्ग पे चलने की कोई कठिनाई आती है या कोई प्रश्न उठते हैं, डाउट आते हैं, उसमें सहायता करें, ठीक है। तो ये मान के चले ये चीज़ है। तो गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिनकी बात हम कर रहे हैं, वो कल की अवतार हैं और वो ये परिवर्तन ला रहे हैं। संजीवनी मंत्र का जाप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए और दो समय ध्यान कीजिए, बस बाकी छुट्टी। चलिए, अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो, और कल का सेशन अगर आपने नहीं देखा है, कल का सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखना। मेरे दृष्टिकोण से कल का सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मेरे जीवन में बहुत महत्व रखता है कल का सेशन, बहुत अच्छा सेशन है कल का। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखें। उसमें बात की है कि जो पूर्ण दर्शन है, योग प्लस वेदांत ही पूर्ण दर्शन है जो गुरुदेव ने कहा है, और आपके अंदर जो घटित होगा पूर्ण दर्शन, पूर्ण योग घटित होगा, कब होगा, क्या उसकी पहचान है, वो गुरुदेव ने बताई है कि योग प्लस वेदांत, जिस योग के मंथन से अंदर ज्ञान, वेदांत, वेद सब प्रकट होने लग जाए, तो वही योग पूर्ण योग, वही शिष्य पूर्ण योग में है। तो उस ज्ञान की, उस वेदांत की क्या महत्ता है, ठीक है। जनरली हम देखते हैं ना, लोग कहते हैं भाई पढ़ने से क्या मिलेगा, बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, नाम जपना चाहिए, ये करना चाहिए। सही बात है, नाम जपना चाहिए, लेकिन वो वेदांत जो है वो आपके जीवन में घटित हो जाएंगे। आपके अंदर जब तक माँ श्रुति नहीं जागृत होती, और माँ शक्ति तभी जागृत होती है जब आप माँ प्रकृति का रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। गुरु माँ जो है हमारी, वो माँ प्रकृति है, साक्षात है। मैंने तो सूक्ष्म रूप से भी माँ को कई बार अपने ध्यान में देखा है, स्वप्न में देखा है, और मैं देखता हूँ कि वो मेरी मदद करती है। मैंने इस बार जब मैं गया था, वृंदावन गया था, तो मैं थोड़ा सा परेशान था उस समय सेहत को लेके, तो मैंने माँ से कहा, मैंने कहा माँ ये समस्या है थोड़ी सी, गुरुदेव तो सुनते नहीं मेरी बात, आप सुन लो, आप ये टूर ठीक रहे, समस्या ना हो। और मैं आपको क्या बताऊँ, इस तरह से वो टूर गया है, इस तरह से उसने मेरी हिफाजत की है माँ ने, कि मैं बता नहीं सकता। तो माँ शक्ति, जब हम माँ शक्ति की, कुंडलिनी की रिस्पेक्ट करते हैं, हम जब कहते हैं कि माँ कुंडलिनी ही जगत जननी है, सीता है, दुर्गा है, अम्बा है, उसको आप किसी भी रूप में देख लो, अपनी बेटी के रूप में भी देख सकते हो, अपनी पत्नी के रूप में भी देख सकते हो। रामकृष्ण परमहंस ने माँ शारदा को ही तो पूजा, काली की जगह उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को बिठा दिया, उनका श्रृंगार किया, उनको भोग लगाया और माँ के रूप में ही उनको पूजा। तो आपकी दृष्टि जो है, अगर शक्ति के प्रति सही है, या फिर आप माँ का सच्ची में आदर करते हो, तो आपको चराचर में वो दिखेगी। तो गुरु माँ तो बहुत विशेष है, वो तो मेरे गुरुदेव का अर्धांग है, वो तो मेरे गुरुदेव की अर्धांगिनी है, तो उसमें तो आधे गुरुदेव मेरे वैसे ही बसते हैं, तो मेरी गुरु माँ तो वैसे ही बहुत विशेष होगी मेरे लिए। अगर मेरे गुरुदेव मेरे लिए कृष्ण है, कल्कि है, तो माँ तो मेरे लिए राधा हुई, और किसी की मैं क्या कल्पना कर सकता हूँ, कर ही नहीं सकता। माँ कुंडलिनी को मैं उस मूर्तियों में देखूँ, राधा में देखूँ, दुर्गा में देखूँ, कहानियों में देखूँ, क्यों, मेरे सामने तो मेरे गुरुदेव के अर्धांग है।
तो वो मेरे सामने ही है। ये बड़ी सिंपल सी बात है, वैसे कई विरोध करते हैं इस बात का, वो उनकी चलो जैसी भी मति है, जब माँ के सभी प्यारे हैं। तो ये बात है कि जब आपके अंदर प्रकट होगी ना वेद, जो आज आप कहते हो ना कि वेद पढ़ने से क्या होगा, बाहर पढ़ने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप सारे वेद रख लो, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आप विरोध करोगे उस चीज़ का, बाहर से पुस्तकों का विरोध करोगे आप, और आप इस बात को नहीं समझ पाओगे कि आप विरोध क्यों कर रहे हो। आप कहोगे कि नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये है, आप उस शक्ति को नहीं जान रहे, क्योंकि जो वेद आप पढ़ोगे उसमें आपका समय नष्ट हो जाएगा, और गुरुदेव नहीं चाहेंगे आपका समय नष्ट हो, क्योंकि उनका रस प्राप्त करने के लिए माँ श्रुति का होना ज़रूरी है। और जिस दिन माँ श्रुति प्रकट हो गई, माँ ने देख लिया कि आप उस प्रकृति के भाव में, माँ के भाव में, संभाव में आ चुके हो, इस चराचर की प्रत्येक स्त्री में आप उस शक्ति को देखते हो, सम्मान करते हो, उस दिन वो जागृत हो जाएगी, और फिर आप भागोगे, अपने आप ही पुस्तकें आपके पास आ जाएंगी, आप अपने आप वो वेद अंदर से प्रकट हो जाएगा, वो वेद अंदर से प्रकट हो जाएगा, और जब वो अंदर से प्रकट हो जाएगा वो बाहर जहाँ भी होगा आपके पास चला आएगा। इस ये विज्ञान बड़ा अद्भुत है, ये लीला, ये साइंस बड़ी अद्भुत है, हम समझ ही नहीं सकते इसको। हम बुद्धि का प्रयोग करके कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है, जब वो घटित हो जाता है, जब रात होनी है तो जितने भी बल्ब जगा लो वो रात है, और जब दिन होना है तो कितने भी बल्ब जगा लो उनकी कोई रोशनी नहीं है। ना तो आप दिन को उदय होने से रोक सकते हो, ना तो आप रात को उदय होने से रोक सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें प्रकृति में होती हैं। इसी तरह से अंदर जागृति है, वेदांत जब आपके अंदर उदय होगा तो आप चाहे पढ़े लिखे भी नहीं होंगे ना, तो भी आपको वो प्रस्तुत हो ही जाएगा, आप बच नहीं सकते उससे। और योग का मंथन ही वही है, योग का मंथन का मतलब ही है कि आपके अंदर से वो संपूर्ण ज्ञान विज्ञान प्रकट हो। महर्षि मच्छिंद्रनाथ जी ने, जो गुरुदेव कहते हैं कलयुग के आदि गुरु हैं, उन्होंने जब योग को डिफाइन किया तो उन्होंने यही डेफिनेशन दी है, योग कल्प तरु का वो अमर फल है जिससे त्रिविध ताप शांत होते हैं और संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होते हुए साधक मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तो ये योग है, कल्प तरु का फल है जिससे संपूर्ण ज्ञान प्रकट होता है, और वो नहीं हुआ तो मोक्ष कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो योग प्लस वेद, योग प्लस वेदांत, यही पूर्ण दर्शन है। और कल के सेशन में यही बात हमने की है। और एक चीज़ महत्वपूर्ण कल के सेशन में मैंने रियलाइज़ किया कि गुरुदेव की वाणी में गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है। आज मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है, गुरु कोई शरीर नहीं है तो शिष्य कोई शरीर कैसे हो सकता है। लोग कहते हैं कि गुरु को शरीर में होना चाहिए, वो लोग कहते हैं जो स्वयं शरीर है, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो जो गुरुदेव के जो शिष्य हैं, अगर वो ये भावना रखते हैं कि वो शरीर हैं, तो अभी तो शिष्यत्व को टच ही नहीं किया, वो गुरु के भी देह भाव में फंस गए। गुरुदेव ने तो देह से सभी को मुक्त कर दिया, कह रहे भाई ये तो देह है, शरीर है, ये तो कल मरेगा। गुरु नहीं मरेगा, गुरु आपके अंदर है। गुरु अगर मेरे अंदर है तो वो शरीर के अंदर तो नहीं हो सकता, वो तत्व जो है वो तो परमानेंट है, शरीर तो गया, एक दिन गया शरीर। तो जब गुरु मेरे अंदर है तो शरीर गया, तो गुरु कहाँ गया फिर? तो अंदर किसके अंदर? तो वो शरीर के अंदर नहीं हुआ ना, तो वो किसके अंदर हुआ ये जानने की शुरुआत हुई। अब वो गुरु किसके अंदर है, वो कोई तत्व है। कहते हैं मैं आपके अंदर हूँ, तो मेरा शिष्य है ना, मैं तेरे अंदर हूँ। तो शिष्य वो शरीर नहीं हुआ जिसके अंदर वो गुरु तत्व है, तो शिष्य भी एक तत्व हुआ, उस तत्व में ही गुरु तत्व है। वही गुरु तत्व इस शिष्य के जो तत्व को परिवर्तित कर लेता है, अपने आप में समा लेता है। पारस कंचन कर दे काया, गुरु कर दे आप समान। तो वो जो तत्व है जो मेरे अंदर है, नौ इस शरीर के अंदर की बात नहीं, वो तत्व जो मेरे शिष्य हो, शिष्य रूपी तत्व के अंदर है, उस शिष्य रूपी तत्व को वो परिवर्तन कर देगा, अपने जैसा कर लेगा, गुरु जैसा कर लेगा। तो मेरे शरीर का परिवर्तन नहीं, पहले मेरे शिष्यत्व का परिवर्तन होना जरूरी है। तो शिष्य भी शरीर नहीं है, ये भी मूल बात है। ये भी कल के सेशन में थी, हालांकि इसको इतना एलैबोरेट नहीं कर पाया उस समय में,
क्योंकि सेशन के बाद भी मेरी घड़ियाँ चलती रहती हैं, गरारियाँ चलती रहती हैं, तो उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ ये बहुत बड़ी एक रहस्य है जो गुरुदेव ने खोला है, कि हम अपने आप को शरीर समझ के ही साधना कर रहे हैं, शरीर के सुखों से ही बंधे हुए, शरीर की बीमारी से बंधे हुए। और आजकल तो विवादी इसी बात पे चल रहा है, बीमारियों को ठीक होता है इतने दिन की विधि करो, स्त्रियों को 45 दिन की विधियाँ करनी है, 40 दिन छोड़ देने हैं क्योंकि उनके पीरियड्स होते हैं, तो वो तो शरीर से ही जुड़ गया, शिष्य तो हुआ ही नहीं, फिर वो तो शरीर ही कर रहा है ना कर्मकांड। जो शिष्यत्व है वो तो शरीर ही नहीं है, फिर वो चाहे औरत का हो चाहे पुरुष का हो, तो शिष्यत्व का तो भेद ही नहीं है, लिंग ही नहीं है, तो फिर कोई भी विधि उस शिष्य के लिए कैसे हो सकती है, वो तो शरीर के लिए होगी सिर्फ। तो ये चीज़ें हैं जो समझनी ज़रूरी है, ये कोई तर्क वितर्क नहीं है, विरोध नहीं है, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, सब गुरु की इच्छा से ही होता है, इसको डिनाई भी नहीं कर सकते, जो भी होता है गुरु की इच्छा से ही होता है, जो भी कर रहा है गुरु की इच्छा से ही कर रहा है, गुरु की इच्छा के बिना नहीं कर सकता। लेकिन गुरु की इच्छा क्यों है, इसका प्रयोजन क्या है, लॉन्ग टर्म में इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है, ये हम नहीं जानते। हम सोचते हैं आज गुरु करवा रहा है तो हाँ यही उसका प्रयोजन है, लेकिन इसका रिजल्ट थोड़ी है, ये तो कुछ कार्य वो करवा रहा है, किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करवा रहा है, लेकिन जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा ना उस दिन पता चलेगा कि गुरु ने ऐसा क्यों करवाया। आज जो हो रहा है गुरु करवा रहा है वो फाइनल नहीं है, वो एक सिर्फ प्रोसेस है, उस प्रोसेस से क्या रिजल्ट निकलेगा वो मुख्य होगा, और जिस दिन वो रिजल्ट निकलेगा उस दिन सारा रहस्य भी खुल जाएगा। इसीलिए करवाने वाले गुरु हैं, उनकी इच्छा से उनकी प्रेरणा से ही बेचारा कर पाता है, साधक कुछ भी कर पाता है। अगर उसने समझ लिया कि हाँ मैं एक प्रयोजन के माध्यम से ये सारा कुछ कर रहा था और प्रयोजन सिद्ध हो गया है और वापस मुझे उसी लय में आ जाना है तो आ गया, अगर वो अटक गया तो अटक गया। तो गुरु अगर किसी को अपना माध्यम भी बना ले किसी विशेष शिक्षा के लिए तो वो भी उसका सौभाग्य है, वो भी गुरु का प्यार है कि उसने अपने शिष्यों को इस कार्य के लिए चुन लिया, जो कठिन होते हैं जिनका विरोध होता है, ठीक है। तो ये भी शिष्य के लिए एक निखार की बात होती है, उसकी जितनी निंदा होती है वो उतना ही निखरता है, उतना ही वो अंदर से शुद्ध होता है, हालांकि तड़पता बहुत है तड़पन बहुत होती है, परेशानी बहुत होती है, लेकिन निखरता भी वैसे ही है। अब वो निखर जाएगा तब जब वो इस चीज़ को निखार समझे, रगड़ समझे, अगर अहंकार भावी हो जाएगा तो फिर तो मुश्किल होगी। लेकिन गुरु जो भी करता है अपने शिष्यों के साथ, उसका चयन करना, उससे कार्य करवाना, जो शुरू में विरोध लगे बाद में उसका कुछ रिजल्ट दिखाता है कि ये चीज़ें हैं बेटा, ऐसी चीज़ें होती हैं, आने वाले भविष्य में भी ऐसी चीज़ें होंगी, ये होंगी, तो इस तरह से चलना, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें फाइनली उस चीज़ को मान के चलना चाहिए कि मेरा गुरु ही सर्वोपरि है, उसी के इच्छा से, उसी के माध्यम से, उसी की कृपा से, उसी के अनुग्रह से हम कुछ भी कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर हमें लगे कि हम गुरु के इस ऐसे प्लान के हिस्से थे जो आगे शिक्षा बने, तो हमें उसको नमस्कार ही करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि गुरुदेव मेरे साथ ऐसा क्यों कर लिया, मैं तो आपका शिष्य हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, बल्कि हमें कहना चाहिए गुरुदेव आपने इस डिफ़िकल्ट कार्य के लिए, जहाँ पर हमारी वाट लग जाए, जहाँ पर हमारा पूरा सिस्टम जो है वो चला जाए या स्टेक पे लग जाए, इतने डिफ़िकल्ट कार्य के लिए भी आपने मुझे चुना तो मैं आपका हनुमान ही हुआ, ठीक है। लेकिन ये रियलाइज़ होना ज़रूरी है कि हम किस कार्य के लिए चुने गए, उसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज़ से, ठीक है। उसका मूल क्या निकालेंगे गुरुदेव, उसका रिजल्ट क्या निकालेंगे, उनकी शिक्षाएं कैसे वो बाहर निकालें। अब गुरुदेव की शिक्षा देते हैं, गुरुदेव इतने सेशंस में बात करते हैं, कौन समझता है। आज सभी कहते हैं नहीं जी गुरुदेव ने कहा है सिर्फ नाम जपो ध्यान करो, ये इतना बढ़ चढ़ के सामने कैसे आ रहा है, क्योंकि कोई अन्य विधि फॉलो हो रही है, कुछ अन्य कुछ किया जा रहा है, वो नहीं है एक्चुअल में, ये है। तो गुरुदेव अपनी वाणी को बाहर लाएंगे तो कैसे लाएंगे, हम सब आज एक सुर में बोलेंगे कि ये विधि है, ये विधि है, ये गुरुदेव ने कहा, ये कहा, ये नहीं कहा, तो गुरुदेव अपनी ही वाणी को हजारों मुखों से चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहे हैं, जोर जोर से सबको बता रहे हैं कि ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो दोनों प्रयोजन गुरु के हैं, अपनी वाणी को हम सबको बार बार सुनाने के लिए एक घटना घट रही है, अपनी 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 विधि को या अपने गुरुदेव की जो सिंपल विधि है, कोई स्पेशल विधि नहीं 40-45 दिन की, इस विधि शब्द का भी गलत यूज़ हो गया, उसको भी गुरुदेव दिखा रहे हैं कि मैंने क्या कहा है। हम सबको जानना ज़रूरी है, डीपली सुनना ज़रूरी है, हम सिर्फ नाम जप ध्यान तो कर रहे हैं, गुरुदेव की वाणी को नहीं सुन रहे, उनके दिए हुए ज्ञान को नहीं सुन रहे, उस लिए कोई विशेष घटना घट रही है। इसीलिए
हम जो जान रहे हैं वो भी गुरुदेव का प्रयोजन है, और वो जो हमें जना रहे हैं वो भी गुरुदेव का प्रयोजन ही है। बस अंत में सब पानी एक जैसे ही हो जाना है, बचना कुछ भी नहीं, अलग अलग कुछ भी नहीं दिखेगा। सागर में मिला हुआ जल एक जैसे ही हो जाता है, अंत सबका एक सा होई। कौन सा गाना था, भजन था बहुत अच्छा, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, यही घटना चल रही है। ठीक है, राजा हो या रंक हो, अंत सभी का एक सा होई। तो यही बात है, सबने एक ही पानी में मिलना है, एक ही पानी से बने हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। इसलिए आप अपनी बात रखो, ये बात रखनी इसलिए ज़रूरी है कि ये प्रयोजन हो रहा है, आपका जानना ज़रूरी है कि असल में क्या है, गुरुदेव ने क्या प्रक्रिया कही है। इसीलिए आवाज़ उठानी ज़रूरी है, क्योंकि गुरुदेव चाहते हैं कि आप इस चीज़ को जानो, बोलो, जगह जगह बोलो। एक गुरु अकेला बोल रहा है कि भाई नाम जपो ध्यान करो, सुनता नहीं है कोई। अब आप हजारों लोग एक ही चीज़ को बोलो, नहीं जी गुरुदेव ने तो सिर्फ नाम जप के लिए बोला, ध्यान के लिए बोला, तो वो हजारों मुखों से बात कर रहा है, ये उसका प्रयोजन है। ठीक है, तो वो किसी को भी अपना माइक बना सकता है, कैसे भी करा सकता है, और जिसके जिसका डिफ़िकल्ट समय आ जाए उस पर तो उसको तो गुरु ज़्यादा संभाल के रखते हैं कि उससे कुछ डिफ़िकल्ट कार्य हो रहा है। बड़ी नसीब से होती हैं ऐसी चीज़ें, मैं खुद इस चीज़ को देख चुका हूँ एक साल पहले। ठीक है, तो मैं अपने आप को भी भाग्यवान मानता हूँ, उन सबको भाग्यवान मानता हूँ जो गुरु का डिफ़िकल्ट कार्य करते हैं। सहज कार्य सभी कर लेते हैं, सहज प्रचार प्रसार सभी कर लेते हैं, है ना। बड़े रहस्य हैं, ऐसे अभी बोले तो नहीं जा सकते, लेकिन बड़े रहस्य हैं। जो शिष्य गुरु के प्रति समर्पित होता है, गुरु देखता है और उसको फिर वैसे ही कठिनाई में डाल देता है, ताकि वो सारी चीज़ें जो वो जानता है अब सारी दुनिया जाने, लेकिन वो शायद उस माध्यम पे नहीं चलता, उस लय में नहीं चलता, लेकिन फिर सारे एकजुट होकर समझने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीज़ें समझ लेते हैं। मुझे याद है धर्मेंद्र शर्मा की बात मैं कर रहा हूँ, वो गुरुदेव की सारी स्पीचेस को लिखते थे, आज तक किसी ने नहीं किया ऐसा। सारी स्पीचेस को लिखते थे बाकायदा सॉफ्ट कॉपी, जब वो सेशन करते थे तो गुरुदेव की स्पीच को लिखते थे, इतना डेडिकेशन, मैंने सल्यूट हैट्स ऑफ। मैं कहता था गुरुदेव की एक एक शब्द को सुनना, और गुरुदेव ने जैसे बोला है वैसे ही लिखा उस व्यक्ति ने। आप कोई कर सकता है ऐसा, गुरुदेव की सारी स्पीचेस आप सुनते भी नहीं ढंग से, उस व्यक्ति ने सुनने के बाद समय निकालने के बाद गुरु के एक एक शब्द को लिखा, सॉफ्ट कॉपी में लिखा, और वो सॉफ्ट कॉपी में एक एक शब्द को महसूस भी किया होगा, लेकिन ज्ञान धारण नहीं कर पाए, लिख लिया लेकिन धारण नहीं कर पाए, है ना। तो आज वो अलग ही हो गया काम उनका, 40 दिन में फंस गए वो जाके, एक एक शब्द गुरु का सुन के लिखा लेकिन फिर भी धारण नहीं किया। इतना कठिन कार्य उस व्यक्ति ने किया भाई, मैं तो सच्ची जब सोचता हूँ उसके कार्य के बारे में सल्यूट भी करता हूँ, फिर मैं आज दुर्दशा देखता हूँ तो फिर मुझे अजीब भी लगता है थोड़ा सा, कि गुरु ने कैसे क्या कार्य करवाना है, किससे करवाना है, तो माया है गुरुदेव की। ठीक है, तो यही बात है कि आज अगर दुनिया बोल रही है ना कि नाम जपो ध्यान करो यही है बस और कुछ नहीं है, तो ये भी इसका कारण भी वो व्यक्ति ही है। वो व्यक्ति ही है, और वो व्यक्ति जितना विरोध कर रहा है ना उतना लोग ज़्यादा जान रहे हैं उस चीज़ के बारे में, है ना, वो उतना ज़्यादा जान रहे हैं। वो किसी चीज़ का विरोध करता है तो लोग उसके बारे में और ज़्यादा सजग हो रहे हैं। काम वो गुरुदेव का ही कर रहा है लोगों को सजग करने का, लेकिन अपनी इच्छा के विरुद्ध कर रहा है। जो वो करना चाह रहा है वैसा नहीं कर रहा, बल्कि जो गुरुदेव करवाना चाह रहे हैं उससे वो कर रहा है, बना माध्यम बना हुआ गुरुदेव का, लेकिन जानता नहीं है कि मेरा मुख इस तरफ नहीं है, दूसरी तरफ मुझे चलाया दूसरी तरफ। अगर ये पूरा ये स्टडी है, ये खुद भी साइकोलॉजी के छात्र है, वो खुद को स्टडी करनी चाहिए अपनी साइकोलॉजी की, कि मैं क्या कर रहा हूँ और लोग ज़्यादा उछल रहे हैं दूसरी तरफ, गुरु की वाणी को निकाल निकाल के ला रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, मैंने तो खुद एक एक अक्षर लिखा है, फिर भी लोग, तो ये माध्यम है, वो एक माध्यम है ना, ये गुरु की लीला है, अद्भुत लीला है, इसका आनंद लेना चाहिए और समझना चाहिए कि गुरु एक एक शिष्य को सिखाने के लिए किसी एक का कान पकड़ता है, और ये होता है तो मज़ा भी आता है। जब आप कोई निंदा करे ना, आपको कोई बहिष्कृत करे, निंदा करे, तो समझ लो कि गुरुदेव ने आपको
किसी विशेष कार्य के लिए चुना हुआ है और 10 लोग आपको देख के उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे, बहुत आलसी है, नहीं जानेंगे गुरुदेव ने क्या कहा, स्पीच नहीं सुनेगा, अभी ढूंढ ढूंढ के लाते होंगे स्पीच सारे, गुरुदेव ने यहाँ क्या कहा, यहाँ क्या कहा, यहाँ क्या कहा, यहाँ क्या अभी सुन रहे, ठीक है। तो गुरुदेव की दृष्टि अलग दृष्टिकोण से देखती है, हमारी दृष्टि अलग दृष्टि, हमारी हम देखते हैं एक दूसरे को भाई बहन है, नहीं ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा भाई नहीं हो सकता, ये मेरा गुरु भाई नहीं हो सकता, ये मेरी गुरु बहन नहीं हो सकती, ये लेकिन गुरु की दृष्टि जो कार्य करवा रही है उसको कोई नहीं देख पाता। तो जब तक हम सारे के सारे आध्यात्मिकता में पहला कदम नहीं रखेंगे, भौतिक जगत के सारे कदम हमें दिखाई नहीं देंगे। और यही बात मैंने कल कही थी, आज जो मैंने अभी बात की है, ये आज जो मैं देख पा रहा हूँ, ये कल नहीं देख पा रहा था। मैंने कल के सेशन में कही थी ये बात कि मैंने पहला कदम आध्यात्मिकता में लिया है, ऐसा मैं जान गया, ठीक है। इससे पहले मैं भौतिकता से आध्यात्मिकता को देख रहा था, अब मैं आध्यात्मिकता से भौतिकता को देख पा रहा हूँ, मेरा एंगल चेंज हुआ है। आज मैं वो देख पा रहा हूँ जो ज़्यादा लोग नहीं देख पा रहे, वो खुद नहीं देख पा रहा जो जो कर रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है, ये कल का सेशन इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, छोटा सा ही सेशन है 45 मिनट का, इतने छोटे सेशन मैं करता नहीं होते नहीं मुझसे, कल का सेशन इसीलिए महत्वपूर्ण है, उसमें मैंने इसी पहले कदम की बात की। और ये जो पहला कदम है, ये योग का पहला रस है, योग के मंथन से पहला रस प्रकट होता है, वो है ज्ञान, वो ज्ञान जो ईश्वरीय ज्ञान है, वो दृष्टि में जो अज्ञान है, वो दृष्टि जो देखने पे आपको मिलती है, जिससे आप उसका निरीक्षण कर सकते हो, नहीं तो हम भेद में ही फंसे रहते हैं, ये मेरे को बुरा बोलता है मैं इसको बोलूँगा, ये मेरे को बोलता है मैं इसको बोलूँगा, उस भेद में फंस के हम कभी देख ही नहीं पाते कि ईश्वर क्या कर रहा है, ईश्वर क्या देख रहा है। तो कल का सेशन महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर देखें, और आज के सेशन के इस हिस्से को ज़रूर कोरिलेट कर लें, क्योंकि जो भी हो रहा है ये अपने आप हो रहा है, इसकी भी कोई प्लानिंग नहीं है, या मैंने कभी सोचा, इससे पहले सोचा नहीं कि मैं ऐसा बोलूँगा, ठीक है। मैं जो भी बोल रहा हूँ अपने हृदय को मैं खुला रख के बैठा हूँ, इसमें पता नहीं इसमें क्या कहाँ से क्या आता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके बारे में बोल रहा हूँ, कोई द्वेष से नहीं, कोई ईर्ष्या से नहीं, किसी व्यक्ति विशेष से, किसी प्रेम से नहीं बोल रहा, उससे किसी राग से द्वेष से नहीं बोल रहा, उसने मेरे लिए क्या किया, मैंने उसके लिए क्या किया, प्रयोजन है, सब प्रयोजन है, हम एक प्रयोजन के हिस्से हैं, एक आयोजना के हिस्से हिस्सा है बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये अब मुझे दिखता है, इसीलिए कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं, किसी से कोई कुछ मतलब नहीं दिख रहा, यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि सब नीचे ही रह गया, आज मैं देख रहा हूँ तो मुझे सब नीचे दिख रहा है, लग रहा है कि ये विरोधाभास, ये बहस, ये तू तू, ये मैं किसी काम की भी नहीं है। लेकिन ये परिवर्तन कल से आया है, कल के सेशन से आया है, और ये सेशन जितने भी होते, लोग पूछते हैं कि एक गुरु भाई ने पूछा था मुझसे, गुरु बहन थी या गुरु भाई पता नहीं, लेकिन उन्होंने पूछा कि आप अपना परिवर्तन बताओ, मैंने कहा जितने भी सेशन हुए मेरा परिवर्तन ही है, 9 मई का विशेष परिवर्तन कल का, आज वो जो परिवर्तन नहीं होता, अगर मेरी बात वो सत्य नहीं होती कल वाली, जब मैंने कहा कि मेरा पहला कदम अध्यात्म में आज मैं रखता हूँ आपके सामने, इसी सेशन में रखता हूँ, मैंने कल ही कहा था, अगर वो सच में पहला कदम नहीं होता तो आज ये दृष्टि प्रकट नहीं होती, सेशन के माध्यम से इस दृष्टि प्रकट नहीं होती। तो ये सेशन जो चल रहा है ना, ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन लाइव है, मैं आपके सामने लाइव ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ, शरीर में नहीं लेकिन मेरे भाव में, मेरी बातों में मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो। तो ये सेशन, ये सत्संग मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का अहम हिस्सा है, और ये तो एक समझो कि 24 घंटे में जो घटना घटी, इस एक घंटे में आपके सामने प्रस्तुत होगी शब्दों में, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन घटा है कल से, कल 7 बजे से लेकर आज तक वो घटना घटी, वो एक घंटे में मैंने अभी बात की, तो वो 24 आवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ऐ जपा जाप 24 आवर्स है, ये घटना है, ये बस यही है, इतना ही। और भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना आज घटी है, बहुत महत्वपूर्ण घटना आज घटी है, लेकिन आज मैं उसका इसलिए नहीं व्याख्यान कर सकता, या आज मैं इसलिए नहीं बता सकता कि वो अभी घटी है, उसका परिवर्तन जो है वो अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन वो घटी है, और बहुत बड़ी घटना घटी है वो, और वो कल के सेशन में मैंने बोली है, उसी घटना से ही रिलेटेड है, और उसी
दिव्य कदम का, उस आध्यात्मिक कदम का हिस्सा है बहुत बड़ा, वो घटी है। ठीक है, ये है। चलिए, अब आप किसी ने कुछ बात करनी है तो ठीक है, बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित है सब कुछ। YouTube पे कोई कुछ है? YouTube पे ये सोनी लिखती है शायद, सुनील कुमार की आईडी से, जय श्री गुरुदेव गुरु भाई, बिल्कुल आज का सेशन भी बहुत महत्वपूर्ण और शानदार रहा, जितना विरोध होगा उतना सत्य बढ़ेगा, बहुत कुछ होगा गुरु, बहुत कुछ, बस टाइम आने दो। अच्छा, आपको पता है भैया, हर कोई के लिए प्रचार करना भी कठिन है, क्योंकि प्रचार सिर्फ सत्य के आधार पर हो रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, बोलने वाले तो गुरुदेव ही हैं, हम सब माध्यम हैं। बिल्कुल सही बात है जी। सुमेर सिंह 55 इनकी आईडी है, कहते हैं गुरुजी मेरी नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है। ये बात आपको गुरुजी को ही बतानी है गुरु भाई, मुझे नहीं बतानी है, क्योंकि मैं तो खुद तमोगुण से भरा हुआ हूँ, मेरे अंदर भी तीनों गुण पूरे लहरा रहे हैं, तमोगुण सतोगुण रजोगुण, उसी से बना हुआ ये शरीर है। तो जो खुद व्यक्ति त्रिगुणात्मक प्रकृति से बना हुआ है, वो आपकी नेगेटिविटी को क्या समझेगा? आपकी नेगेटिविटी को वही व्यक्ति समझ सकता है जो त्रिगुणातीत हो, और वो है ये पीछे बैठा है वाइट ड्रेस में, आपका गुरु गुरुदेव श्री रामलाल जी से। यही बात जो आपने मुझे बताई है, ये इनको बताइए, क्योंकि यही वो है जो आपको आपके गुणों को ले सकते हैं, अपने में समा सकते हैं, क्योंकि वो अनंत है, उसमें सब समा जाता है, पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड सारी नेगेटिव पॉजिटिव गुणात्मक ऋणात्मक सब कुछ उसमें चला जाता है। इसीलिए आप गुरुजी की तस्वीर से बात कीजिए, और गुरुदेव के आदेश अनुसार उनका जो मंत्र जाप है वो करिए, मंत्र से ही सारा परिवर्तन आता है, नेगेटिविटी भी मंत्र से ही दूर होगी, इसके लिए और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मंत्र जपने के अलावा दूसरा कोई रास्ता माध्यम नहीं है सुमेर भाई, वो तो आपको जपना ही पड़ेगा। और कोई गुरु भाई कुछ कहना चाहते हैं? चलिए ठीक है, तो आज का सेशन श्री गुरुदेव के श्री चरणों में नाम जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, उसी से ही सारा परिवर्तन आता है, और बाकी सब धरा का धरा ही रह जाना है। ठीक है, चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय माता, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। सुमेर भाई कह रहे हैं धन्यवाद गुरु भाई, सब धन्यवाद गुरुदेव जी का ही है जी, उन्हीं का मार्गदर्शन है जो अलग अलग मुखों से हो रहा है गुरु भाई, इसीलिए नाम जाप जपिए, नाम जाप कीजिए, नाम जाप से ही सारी समस्याएं सबकी नाम जाप से ही सॉल्व होती हैं, आपकी भी जरूर हो जाएंगी। जय श्री गुरु।